बात अब देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश हुई और बारिश के बाद की तस्वीरें लगातार भारत 24 ने आप तक पहुंचाई। हालांकि बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दो दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली में झमाझम बारिश और उसके बाद की तस्वीर, दिल्ली जो है वो दरिया बन चुकी है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुके हैं। और अगर अखबारों का जिक्र करें तो लिखा हुआ यह देश की राजधानी है, दिल्ली NCR में बारिश से कुल 7 लोगों की मौत की खबर है, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, सड़कों पर बस कारें डूबी नजर आई, अंडरपास में पानी भर चुका है, दिल्ली स्थित रोहतक रोड पर शुक्रवार को जलभराव में कई वाहन फंस गए, और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा शुक्रवार सुबह वाहनों पर गिर गया और इस कारण विमानों का परिचालन भी ठप रहा। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 48 घंटे पहले तक पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी। अब सरकार की मंत्री अनशन तो विपक्ष मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहा था, और उसी बीच देखिए झमाझम बारिश, जहां बारिश ने लोगों को पानी की किल्लत से ज़रूर राहत दी होगी, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे ज़रूर राहत दी होगी, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की पोल यहां पर खुलती नजर आई है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है 24 घंटे के दौरान, और 88 वर्षों से के बाद दिल्ली की एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई है, पहली बारिश से सहमी दिल्ली, 4 माह का कोटा 24 घंटे में पूरा हो गया। तस्वीरें काफी कल परेशान करने वाली भी सामने आई।